हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम विजन आईएएस की करंट अफेयर्स पीटी 365 फॉर द ईयर 2021 को कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसके अपडेटेड वर्जन का पार्ट 43 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। इसके अंदर हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के, बट उसके पहले हम यूपीएससी कॉम्बैट को जानते हैं जो अन अकेडमी पे है। देखिए इसमें क्या है, आपको पहले एनरोल कराना है सिर्फ आईएएस कोड का यूज़ करके और इसमें आप 100% तक के स्कॉलरशिप पा सकते हो। एज यू कैन सी ये हर संडे 11 बजे से होता है, 60 मिनट्स, 56 क्वेश्चन। जाइए क्रैक करिए और अपनी लाइफ बनाइए। रेज हैंड ऑप्शन को प्रोवाइड करिए अन अकेडमी, जिसमें आप लाइव क्लास में अपने फेवरेट एडुकेटर से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। साथ में लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म जिसमें आपको पर्सनल कोचिंग, डाउट सॉल्विंग, टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन, डेली आंसर राइटिंग, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, सब कुछ प्रोवाइड करा जाएगा जो कि आपको किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में देखने को नहीं मिलता है। अन अकेडमी लोन भी दे रही है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, जो 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, 0% प्रोसेसिंग फीस है। बहुत ही सस्ते दामों में आप आराम से मंथली इंस्टॉलमेंट में इसे अफोर्ड कर सकते हो और इसमें आपको मेरा कोड सिर्फ आईएएस यूज़ करना है 10% डिस्काउंट के लिए। इसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ये आपके लिए सरप्राइज है। देखिए 30 सितंबर तक अन अकेडमी पे 10% ऑफ इनकी तरफ से चल रहा है और अगर आप सिर्फ आईएएस कोड का यूज़ करते हो तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है, टोटल 20% का। इससे अच्छा मौका कभी नहीं है, सब्सक्राइब करिए और फर्दर कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं @ सिर्फ आईएएस सेल्स में टेलीग्राम पर। तो आइए जानते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के बारे में। फिलहाल न्यूज़ में क्यों रही है, हुआ क्या कि रिसेंटली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 को रिलीज़ करा यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। आइए कुछ बात जानते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट का थीम रहा है 2021 वाली का, अफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 ऑन हैप्पीनेस एंड हाउ कंट्रीज हैव डिफर्ड इन देयर सक्सेस इन मेंटेनिंग कनेक्टेड एंड हेल्दी सोसाइटीज, कि भाई क्या आखिरकार इफेक्ट रहा कोविड-19 का खुशियों पे और किस तरह से कंट्रीज ने सक्सेस पाई अपना कनेक्शन मेंटेन रख के, हेल्दी सोसाइटीज प्रॉपर मेंटेन करके। ये जो साल है इसमें रिपोर्ट ने दो रैंकिंग प्रोवाइड करी हैं, एक तो यूजुअल है जो कि एवरेज के बेसिस पे है 3 सालों के सर्वे का, जो कि 2018 से लेकर 2020 तक के लिए करा गया था सर्वे बाय गैलप के द्वारा। गैलप क्या है, एक अमेरिकन एनालिटिक एंड एडवाइजरी कंपनी है। और दूसरा फोकस से रहा था 2020 का ही, सिर्फ 2020 पे, ताकि समझे कि आखिरकार आउटब्रेक अफेक्ट क्या है सब्जेक्टिव वेलबींग का, किस तरह से कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इंसान की वेलबींग पे अफेक्ट करते हैं, है ना। ये जब से पैंडमिक आया है तब से रिस्पोंडेंट जो है उनसे कहा गया कि आप अपना खुद की करंट लाइफ को रेट करिए ना अपनी 0 से लेकर 10 स्केल के बीच में, और 10 जो है वो बेस्ट पॉसिबल है और 0 जो है वो वर्स्ट पॉसिबल है। क्या रिपोर्ट में पता ये चला कि टॉप 5 कंट्री जैसे फिनलैंड ने टॉप करा है इसमें, 4 लगातार 4 सालों से कर रही है, उसके बाद आइसलैंड है, फिर डेनमार्क है और फिर स्विट्जरलैंड और इसके बाद नीदरलैंड और स्वीडन है। अब देखिए यहाँ पे इंडिया की रैंक 139th है, 149th में से, मतलब समझते हैं यहाँ पे कौन ही जो है ऐसा खुश है। मतलब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, पिछली रैंक हमारी 140 थी, चलो एक रैंक का इम्प्रूवमेंट हो गया है। इंडिया के नेबर पाकिस्तान की रैंक जो है वो ज़्यादा अच्छी है, बांग्लादेश की ज़्यादा अच्छी है, इवन चाइना की ज़्यादा अच्छी है। अफगानिस्तान की रैंक सबसे लीस्ट हैप्पी कंट्री में आई है, हालांकि सरप्राइजिंगली ऑन एन एवरेज यहाँ पे कोई डिक्लाइन नहीं है वेल बीइंग में, जब मेजर किया गया लोगों के खुद के एवेल्यूएशन ने जब किया अपनी लाइफ के एवेल्यूएशन को किया तो कोई ऐसा वेल बीइंग में कमी नहीं मिली। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क क्या है ये जान लेते हैं। ये सन 2012 से काम कर रहा है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के देखरेख में। ये
SDSN मोबिलाइज करता है ग्लोबल साइंटिफिक और टेक्निकलॉजिकल एक्सपर्टाइज को ताकि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को प्रमोट कर सकें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का इम्प्लीमेंटेशन हो गया, पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट का इम्प्लीमेंटेशन हो गया, और ये पब्लिश करने में भी ये जो है ना ये ऑल्सो ये पब्लिश कर रहा है एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स एंड डैशबोर्ड ग्लोबल रिपोर्ट को भी। अब रैंकिंग पैरामीटर देख लीजिए हैप्पीनेस के जो होते हैं फॉर WHR मतलब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, सोशल सपोर्ट, करप्शन पर स्पेशल, फ्रीडम ऑफ लाइफ चॉइसेस, ये तो परसेप्शन सर्वे में आते हैं। इसके बाद सेल्फ रिपोर्टेड बिहेवियर जैसे जेनरोसिटी मतलब कितना आदमी जेनरस है, GDP पर क्या पता और लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ, ये गवर्नमेंट और कंट्री स्टैटिस्टिकल डेटा से निकाला जाता है। सेल्फ रिपोर्टेड ये होते हैं, परसेप्शन सर्वे ये होते हैं, ये गवर्नमेंट निकालते हैं, तो ऐसे कुछ बनता है। ये टॉपिक के साथ हमारा जो हेड टॉपिक है वो भी ओवर हुआ। अब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चीज़ों को आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने के लिए मुझसे आप पर्सनली ज़रूर बात करिएगा अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।